हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और आज के व्लॉग में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बताती हूँ कि दो तीन दिन में व्लॉग क्यों नहीं आया, वो इसलिए नहीं क्योंकि हमारे शेफू और डोलू की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, उनको लेकर हॉस्पिटल में ही थी मैं, और मतलब 3 दिन से इतने ज़्यादा बीमार हैं बच्चे दोनों, लूज मोशन, वॉमिटिंग एंड ऑल। तो बिल्कुल मन ही नहीं था कि व्लॉग लें, तो आज भी मैं पहले दिन के एक दो टेक है वो लगा दूंगी, उसके बाद फिर मैंने लिया ही नहीं क्योंकि मूड अपसेट था, तो बिल्कुल व्लॉगिंग का मन नहीं कर रहा था। तो अभी आज भी मैं रेडी हो रही हूँ ऑफिस के लिए। ऑफिस जाने से पहले एक बार इनको लेके जाना है क्योंकि अभी इनके ड्रिप वगैरह के वो कैनुला वगैरह लगा हुआ है, मे भी आज डॉक्टर निकाल देंगे। तो आज भी मैंने सोचा कि चलो आपको बता ही देती हूँ, क्योंकि मेरे पास कमेंट भी आ जाते हैं और फिर आप लोग वेट भी करते हो कि व्लॉग डेली डाला करो। तो अभी मैं होती हूँ तैयार, इनको लेके चलते हैं हम हॉस्पिटल, और फिर जो भी रहेगा आपको दिखाते रहेंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिया करो प्लीज, और शेयर कर दिया करो वीडियोस, और लाइक कमेंट तो किया ही करो। तो चले नन्ना जरूर, क्या चल रहा है? सो गाइस, मैंने सोचा कि दवाई लेने जाना है उनकी, उससे पहले खाना तो खा ही लेती हूँ क्योंकि मैंने खाना छोड़ रखा था सुबह का। अभी मुझे लगता है कि ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी होता है, इस वजह से मैंने सोचा एक एक रोटी खा के उसके बाद ही चलते हैं हॉस्पिटल। ना बिना रोटी खाने भी चाहिए, ठीक भी लागे, रोटी खा लेनी तो पेट ही भरे भरे रहे सारे दिन, भरे भरे रहे तो पेंट नीचे को नहीं आया, मैं तो खा के कौन जाऊँ। तो मैं डोल की 3 दिन हो गए कि मैं कौन खाने लगे, मुँह उदास करके बैठे हुए जी। हाँ नहीं बहू आईडी हो नीचे को उठ रखा भैया है नहीं। तो भाई दोनों बच्चों को ले लिया है साथ में, और वीक हो गए हैं बहुत ज़्यादा ये, और हम चल रहे हैं अभी मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास। साथ में रोनी को भी ले जा रहे हैं, रोनी फिर लेके घर आ जाएगा इनको, और हम रहेंगे सलोन पे। हाँ जी, दोनों के पैरों में अभी वो कैनुला लगा हुआ है, इसने उतार तो नहीं दिया, नहीं लगा हुआ है। और उसकी कौन सी टांग पे अपर लिवर? हाँ भाई, ढोलकी के क्या हो रहा है? अभी रिपीट करेंगे आज दोबारा ना इसकी। क्या बोतल लगी? ड्रिप लगेगी, एंटीबायोटिक लगेगी। ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, ज्यादा और वो डर रहा है काम पर। तो इसको डर लग रहा है ना, कल बेचारे में बीती हुई है वो तो। नहीं 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 वो तो नहीं रहा, इसको इतनी लूज मोशन तो नहीं है अब तो। चलो ठीक, हेलो गाइस, यहाँ डोलू के तो ड्रिप चढ़ रही है इसके पैर के, और उधर शेफू के लग रही है, शेफू कर रहा है बहुत ज्यादा परेशान। की चक्कर पढ़ नहीं सकता सर दे नो पीछे पीछे कर दे। आ देखा, आ बेचारा डरिया पे बिल्कुल। शेफू डोलू, तो गाइस डोलू और शेफू को छोड़ दिया घर पे, रोनी लेके जा रहा है इनको, ये अब देखना कैसे करेंगे हॉस्पिटल। अरे डोलू चैपू ऊपर चढ़ाया, दोबारा चढ़ाया, इधर है फिर आ गया, अब नीचे नहीं जा। चलो चलो चलो, बाय बाय, रोनी खवा दी इन्होंने बेटा थोड़ा उन कुछ। सो भाई हम लोग जा रहे हैं सलोन, उनको उतार दिया घर पे आज 2-3 दिनों के बाद, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हुआ है। और जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो सीरियसली कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कोई चीज अच्छी नहीं लगती सच्ची। और क्या किमे अच्छा कौन लगा, किमे कौन लगा मैंने अच्छा, क्यों कौन लगा तने अच्छा? और गाइस मैं बैग लिया मैंने नया, बताना कैसा लगा, बहुत महंगा, पहली बार इतना पैसा लगाया मैंने, बाकी इसमें आपको सलोन जाकर बताती हूं। तो गाइस ये हाल देख लो सलोन का, इतने बड़े बड़े चूहे हो रखे हैं ना, और बैठे देखना कैसे हैं अभी ये, छी 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 छी, ओए इधर आओ। दरवाजा बंद करी, आंटी कुछ कह रहे हैं सुन पहला। हमारा चोरी ने 4 बच्चों को जन्म दिया। अच्छा आंटी कह रहे हैं 4 बच्चों को जन्म दिता है चूही ने, तो सर थोड़े ए जापा होया सलोन च, पंजीरी लाओ। अच्छा मतलब हम वो बच्चे आए हैं, कहाँ पे वो बच्चे गए? फिड़े मुंगा डस्टबिन में। सर पता क्या बोल रहे हैं? सर बोल रहे हैं कि हमारे थाली भी बजाते हैं बच्चे होते हैं, तो वो भी रिवाज है। लड्डू भी बंटने हैं बाकी दे के आने हैं,
ਸੋਨੂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁੰਡੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਡਸਟਬਿਨ ਮਾ ਪੜੇ ਫਿਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਡਸਟਬਿਨ ਚ ਪਾਤੇ ਤੁਮ ਕੋ ਕਹੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਥੇ ਨਾ ਕਾ ਹਮਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਜਾ ਸਾਰਾ ਹਮਾਰੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰੋਲਾ ਪੇ ਰੱਖੇ ਚਾਰ ਲੇਡੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਲੇਡੀਜ਼ਾਂ ਪਕੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਚਰਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਦਾ ਉਹ ਨਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਾਤੀ ਮਤਲਬ ਦਾਈ ਤੀ ਦਾਈ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵੇਚਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਨਾ ਗੱਡੀ ਮਾ ਆਇਆ ਅਖਬਾਰ ਮਾ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚਾਰ ਕੱਲ ਕੋਈ ਦਿਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ सो गाइस आज रजनीश जी मेरा मेकअप कर रहे हैं और मैं घर से ऐसे ही आ गई थी और मेकअप काम साफ कर रहा हूं मैं फंसा हुआ मैल फंसा हुआ हद नहीं होती ना कैसी बेइज्जती क्यों करते होते हो तुम गर्दन टूट जाएगी यार नहीं क्योंकि उससे कोई इंसान थोड़ी हो आप ऐसे पिंगी डेडी करते रहोगे उनको बस तुम मेरा ब्रश मार रहे हो आप ऐसे नहीं बैठते होते अपने पैरों 4 इंच वाला ब्रश मार लूं नहीं यही फेरो आप अपने मुंह पे फेरो मैम के मुंह पे नहीं फेरना आईलाइनर नहीं हे रब्बा जाओ जाओ मुझे कुर्सी बैठ जाओ तेरे से अच्छा आता है मेकअप देख ले कोई नहीं ये भी जान कार्ड में मेकअप कौन करता है यार गाइस ये परेशान करने में लगे हुए हैं मेरे को मैं मेकअप करवाती हूं मेकअप करवा के मिलती हूं आपसे ज्यादा मत बनो लाल लाल पहन के आए आज हम मैचिंग मैचिंग अभी मैंने गुड मॉर्निंग विश भी नहीं किया चलो गुड मॉर्निंग विश वाली सिर्फ पहले लगा दो क्यों वीआईपी रोड क्या हो जाएगा बुल्ले खागड़ खागड़ पीछे पड़ेगा गाइज आज चल रहा है काम सलोन पे बड़े दिनों बाद आज व्लॉग शूट कर रही हूँ ना शूट करने का रीजन भी बता दिया था और अभी मैं ऐसे ही फ्री बैठी हूँ उधर सलोन पे अभी सारे बच्चे कर रहे हैं काम लगे हुए हैं इधर हमारी ईवा ईवा पता नहीं क्या कर रही है बच्चों के साथ खेल रही है वो तुझे क्या दिखाओ कुछ कहना चाहोगे आप हाँ? क्या कहना चाहोगे इधर आ जाओ इस साइड आओ फिर अपन कहते हैं कुछ आ जाओ यहाँ आ जाओ अच्छा तो अभी बताओ आप क्या कहना चाहते हो मैं कहना चाहता हूँ आई लव यू अभी फोन भी नहीं चाहिए आज हम आप चलते हैं चलो डेट पे चलेंगे साथ में लेते हैं क्या मतलब आपने लव यू बोला तो अभी अपन डेट पे चले डेट पे चले शाम को डेट पे लेके जाओगे ऐसे क्यूट क्यूट जो गाड़ी में आ जाना एमजी में आना एमजी में मेरे पास फॉर्च्यूनर है चलेगी का है फॉर्च्यूनर नीचे चाबी है कड़ी चाबी और क्या चाबी है सब कुछ है वो नीचे जाना पड़ेगा चाबी ऑफिस में है ऑफिस में है चाबी उधर हां लेके जाना मैंने बस बोला मेरे पास फॉर्च्यूनर है बोलता वो भी चलेगी चाबी दिखाओ मेरा पार्टनर जो है वो चाबी लेके आ गया मिल गई चाबी आपको खड़ी कहाँ है पहले वो मेरे साथ चलोगे तभी दिखेगी ऐसे नहीं दिखती देख ले हद नहीं होगी बच्चों की तू सीख तू सीख हम क्या सीखे मैं तो सीख ली अब जो सीखना था देखने वाले दर्शक जवान लड़के सीखो एक छोटा सा बच्चा कैसे एक खूबसूरत हसीना प्यार से डेट पे लेके जाओ उसको चाबी देख उसको गाड़ी देखनी है पहले गाड़ी देखेगा फिर वो जाएगा अगर हुई तो आप कहाँ लेके जाओगे डेट पे पहले गाड़ी डिसाइड करेगा फिर है तो फिर जाएगा सीधा निकल जाऊंगा चाबी लेके चलो कोई बात नहीं आप चाबी लेके निकल जाओ ये भी चलेगा हाँ लेके जाओगे देख रहे हो गाइस देख रहे हो आजकल के बच्चों को कितने एक्टिव है कितना इनको पता है कि गाड़ी कौन सी होनी चाहिए अगर डेट पे जाना तू क्या करवा रही है इसे इसमें क्या लगता है मेरी अटेंशन सब लगी है कोई देखेगा बोलेगा इसका ही वाइफ है वो क्या
आपकी नहीं लगेगी ना, पहले आपको पहले आपको मेरे साथ डेट पे चलना पड़ेगा, उसके बाद इसमें लगता है ऐसे करके थम लगता है इसके अंदर। अब भरावा मशीन साड़ी आ जा ले जा ले जा अभी इसी को। तो गाइस यहाँ पे बैठे हैं हमारे गोपी भैया, रजनीश और गोपी भैया जो है वो क्लासमेट है और डिस्कस कर रहे हैं। भैया एक बात बताओ, आपके साथ में लगे हुए एक ना आपके फ्रेंड नानक को मिल के आए थे, वो हमसे सीनियर था जी, हमसे बड़ा था, एक साल बड़ा था, मतलब एक क्लास आगे होंगे, वो टीचर लग गए सब कुछ कर लिए थे दोनों, क्या करते थे उस टाइम, पढ़ाई नहीं पढ़ी हम लोग भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं थी। नहीं नहीं थे, पढ़ो पढ़ो को नहीं बने याद, पर उस बात पे हो, बात पीछे ही नहीं है, बात पढ़ाई की है, थे पढ़े नहीं, यह बात है, पढ़ाई बच्चे करते हैं बड़ों का काम। अब फिर आगे बच्चों को कैसे बोलते हो पढ़ो, मैं कहता हूं प्रेशर कौन से, मतलब आपने अच्छा हो गया सुन ले को, मैं प्रेशर ही नहीं देते बिल्कुल की पढ़ लो, खाते को तो ना होगा ना ही तो सीख ली नहीं, दोनों में से सिखा देंगे, अगर तो नक्कू हो गया पढ़ने में कामयाब, उसका इंटरेस्ट कम है ऑनेस्टली, है ना, फिर यहाँ तो आपकी साइड भैया या इनकी, एक चीज सिखा देंगे या नाई का सिखा देंगे या काती का सिखा देंगे, ये नाई वाली चलो यही ठीक है ना, डन फिर, काम करना मेहनत करनी है ना, चार आठ पढ़ के काम करना है, ना पढ़े काम करना, काम करना कर लो,